नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। भजन सम्राट विनोद अग्रवाल नहीं रहे, उन्होंने मथुरा के नैती अस्पताल में सुबह 4 बजे अंतिम सांस ली। वो नैती में 2 दिन से भर्ती थे और नैती के डायरेक्टर ने बताया कि एक एक करके उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। परिवार वालों का कहना है कि वृंदावन स्थित आवास पर उनकी अचानक तबियत बिगड़ गई थी। सुबह सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें नैती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब से उनका वहीं पर इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि विनोद अग्रवाल का जन्म 6 जून 1955 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय कृष्णानंद अग्रवाल और माँ स्वर्गीय रत्न देवी अग्रवाल को भगवान कृष्ण और राधा पर अटूट विश्वास था। 1962 में माता पिता और भाई बहनों के साथ वो दिल्ली से मुंबई चले गए। महज 12 साल की आयु में उन्होंने भजन गायन और हारमोनियम बजाना शुरू किया। उनके भजन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुने जाते हैं। विनोद अग्रवाल के देश विदेश में 1500 से अधिक लाइव कार्यक्रम हो चुके हैं। उन्होंने ब्रिटेन, इटली, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, दुबई समेत कई देशों में सफल कार्यक्रम किए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।